सभी को जय हिंद। मैं जिवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। यार ये थोड़ा लाइव होने में इशू हो रहा था, इस वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा, सॉरी फॉर इट। तो जय हिंद मुस्कान, चित्रपाल सिंह, शिल्पी जिया, ओम राउत, तो सभी का वेलकम है आपका डिफेंस अड्डा 24/7। आपके लिए मैं जनरल अवेयरनेस की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि मैं आपको इंडियन नेवी SSR और MR के लिए और इंडियन आर्मी के में आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और अगर आप FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आज मैंने तो कुछ क्वेश्चंस को ना कैटेगरी वाइज रखा है, जैसे स्टैटिक जीके में अगर देखें तो साइंटिस्ट, इन्वेंशन, इन पे आधारित यानी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे है। और फिर आपका स्पोर्ट्स पर भी, क्योंकि इंडियन नेवी का एग्जाम हो, आर्मी का एग्जाम हो और आपका FCAT का एग्जाम हो, स्पोर्ट्स टर्म या स्पोर्ट्स पे बेसिस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और हर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेंगे चार क्वेश्चंस के। तो जितने क्वेश्चंस को हम करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का रेंज है ना वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। चलिए ये बताइएगा, राजा कैसे हो? विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्ड फर्स्ट, इनमें से कौन सी इवेंट सबसे पहले ऑकर हुई थी? देखो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले जो वैक्सीन की जो शुरुआत है वो आपका एडवर्ड जेनर ने करी थी। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर। इन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की, ठीक है, चेचक के टीके की का आविष्कार करा था, स्मॉल पॉक्स। ओके, अगर सिंपल ये पूछा जाए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने करा था, स्मॉल पॉक्स, तो इन्होंने 1776 में। उसके बाद लुईस पाश्चर ने आपका वर्ष 1885 में आपका किसका आविष्कार करा था, रेबीज के टीके का आविष्कार करा था। और इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक, ये जो पेंसिलिन है ये क्या है, विश्व की पहली एंटीबायोटिक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो एंटीबायोटिक है किससे बनाई जाती है, तो ये आपकी फंगस यानी कवक से बनाई जाती है। और जॉनस ईस लाक ने वर्ष 1953 में, वर्ष 1953 में पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीकाकरण का जनक कहा जाता है। ओके, यानी फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो कैसा लगा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन चार काम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है ना, आर्टिफिशियल इंसुलिन है। देखो हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में जो हम गर्म रक्त वाले प्राणी माने जाते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल, वो इस वजह से, क्योंकि हमारा रक्त हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, और हमारा रक्त हमारे शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करता है उसका कारण होता है ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो ये इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो हमारा अग्नाशय है यानी पेनक्रियास से निकलता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ये बंद हो जाए शरीर में निकलना तो डायबिटिक यानी मधुमेह का रोग हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसुलिन का आविष्कार किसने करा था? ओके, जल्दी से बताइएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कार्ल लैंडस्टीनर इसका आंसर दे रहा हो। देखो कार्ल लैंडस्टीनर ने तो आपका ब्लड ग्रुप बताए थे। ओके, ब्लड ग्रुप, अगर आपसे पूछा जाए रक्त का वर्गीकरण या रक्त समूह, ब्लड क्लासिफिकेशन, कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 में, ठीक है, कब, 1901 में। फिर सर विलियम हार्वे ने आपका ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, कि हमारे शरीर में जो रक्त का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो किस तरीके से होता है, ओके, हृदय तक कैसे जाता है, ये सन 1628 में किसने बताया था, सर विलियम हार्वे ने। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट
फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट, ये जिस डॉक्टर ने करा था उनका नाम था डॉक्टर क्रिस्टीन बर्नार्ड, और 1967 में उन्होंने ये कारनामा किया था। फ्रेडरिक चार्ल्स बेंटिंक ने 1923 में, आपका आर्टिफिशियल इंसुलिन, कृत्रिम इंसुलिन बनाया था, ठीक है जी। हाँ सर, क्या हेल्प करें सर हम आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको बताना है हु इन्वेंटेड क्लोरोफॉर्म। अब देखो, ये आपने केवल अभी तीसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप करें, मेरे सेशन देख के आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या आंसर नहीं होगा, ये आपको पता होगा। अब जैसे आपको पता है कि भाई क्रिस्टीन बर्नार्ड तो नहीं होंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होंगे, पेंसिलिन से रिलेटेड है, और ना ही एडवर्ड जेनर होंगे, वो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। तो आपको पता लग गया ये तो आंसर नहीं होगा, तो बचा कुचा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके ठीक है, हाँ चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स सिम्पसन। ओके, तो नमस्कार भाई शायद अंसारी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, ओके, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, तो प्रेशर को हम किससे मेजर किया जाता है, और यहां पर प्रेशर की बात आ रही है, तो वो आपकी बात हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आनंद विजय कुमार, आप सपोर्ट एट द रेट अडर 247.com पर मेल करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वहां बताएं, डेफिनेटली उसको मैं सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपका बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, अच्छा हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, जल्दी से बताओ हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। आनंद विजय कुमार जी, जी हाँ बिल्कुल, मैं आप उस पर सपोर्ट एट द रेट, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोर्ट, ओके एट द रेट अडा, ओके 247.com इस पर आप अपनी क्वेरी को मेल करिएगा, फिर मैं उसको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करूँगा। तो ये बताओ हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है भाई, व्हाट इज मेजर विद हाइग्रोमीटर। ओके ओके, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ह्यूमिडिटी, जी हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। फिर एनीमियोमीटर, इससे क्या मेजर किया जाता है, एनीमियोमीटर से, ओके एनीमियोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, ओके अब ये तो एक पूरा बैकहैंड मैकेनिज्म है सर, वो मेरे क्या कहते हैं एरिया से बाहर का है, तो आपको तो यही करना पड़ेगा अभी। ओके, एनीमियोमीटर क्या होता है, आपका विंड स्पीड यानी ध्वनि, सॉरी वायु की गति, विंड स्पीड को मेजर करता है। अच्छा पायरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, ओके ओके पायरोमीटर से क्या किया जाता है, ओके जल्दी से बताइएगा। आनंद विजय कुमार जी, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ अब, लेकिन ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज है, मैं इस पर कोशिश करूंगा कि कैसे, हाँ चलो जल्दी बताओ पायरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, पायरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, एनीमियो मतलब ये तो तीन पता लग गए आपको, टेम्परेचर और सूर्य का तापमान यानी हाई टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर आपका क्या है 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो अब कोई वहां वो लेके थोड़ी गया होगा थर्मोमीटर, ओके तो रेडिएशन के थ्रू मेजर किया जाता है पायरोमीटर। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु इन्वेंटेड रेडार, ओके रेडार किसने इन्वेंट करा था, हु इन्वेंटेड रेडार, रेडार किसने इन्वेंट करा था, ए एच टेलर एंड यंग, लुइस निक्सन, गॉडफ्राई हाउजन फील्ड एंड विलियम के रॉन्चन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आ तो मैं भी लेट आया हूं शायद, बिल्कुल आपके इश्यू के रिगार्डिंग बात करी, वो एक थोड़ा सा दिक्कत है, वो आज कल मैं मंडे को ठीक हो जाएगी। ओके वर्षा पांडे, नहीं,
इन्होंने देखो शुरू से समझते हैं, रेडार किस पे काम करता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे। जो विलियम रॉन्जन है ना, इन्होंने तो एक्स रे का इन्वेंशन करा था, ठीक है। विलियम रॉन्जन ने किसका इन्वेंशन करा था, एक्स रे। एक्स रे किस में काम आती है, सीटी स्कैन में, ठीक है। एक्स रे किस में काम आती है, सीटी स्कैन। एक्सरे मशीन तो विलियम के रॉन्जन ने बनाई थी, और सीटी स्कैन इसमें भी एक्सरे होता है, लेकिन इसमें लेयर वाइज लेयर एक्सरे होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, लुइस निक्सन ने सोनार, अच्छा सोनार का उपयोग हम कई जगह करते हैं। एक तो सोनार का उपयोग हम किस में करते हैं, फैदोमीटर में करते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए, सबमरीन में करते हैं, ओके सबमरीन में, और आपका अल्ट्रा साउंड में करते हैं। किस में करते हैं, अल्ट्रासाउंड में। और सोनार का उपयोग हो रहा हो और हम किस में करते हैं, एको ईसीजी, एको ईसीजी, इसमें भी ये होता है, एको इको बोलते हैं उसमें, आपका 3D इमेज बनती है अंदर ऑर्गन की, एको बोलते हैं उसे, ECHO, एको, ECG नहीं होती, होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता है। खैर, टेलर एंड यंग इसका राइट आंसर है, टेलर एंड यंग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु इन्वेंटेड जेट इंजन, ओके हु इन्वेंटेड जेट इंजन। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर करेगा, जल्दी से बताएं, हु इन्वेंटेड जेट इंजन। जेट इंजन किसने, सर फ्रैंक वाइटल। जेट इंजन क्या होता है, जिसमें एक होता पंख वाला जेट इंजन में, तो जिसमें हवा के साथ कंबशन किया जाता है, तो स्पीड बहुत तेज होती है। तो बताओ क्या होगा, देखो कार्ल बेंज कार के इन्वेंटर, गॉटलिब डैमर बाइक या मोटरसाइकिल, ठीक है बाइक या मोटरसाइकिल, इगोर सिरोस्की हेलीकॉप्टर, और सर फ्रैंक वाइटल 1935 में इन्होंने आपका जेट इंजन को इन्वेंट करा था। प्रणाम शिवम मिश्रा, कैसे हो। अगला क्वेश्चन, गामा रेज आर वर डिस्कवर्ड बाय, गामा रेज की जो खोज है वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, ओके गामा रेज की डिस्कवरी किस पर्सन के द्वारा की गई थी, हर्शल, बेकुरेल, क्यूरी, रॉन्टजन। तो एज यू नो रॉन्टजन एक्सरे से रिलेटेड है, और आपका टीवी रिमोट जो वर्क करता है वो आपका किस पे वर्क करता है, इंफ्रारेड में, रात को नाइट विजन डिवाइसेस में भी हम इसको यूज करते हैं इंफ्रारेड। हेनरी बेकुरेल इसका आंसर है, गामा बेकुरेल यूनिट में, और मैडम क्यूरी का रिलेशन है आपका रेडियम से, ठीक है जो घड़ियों में होता है जो अंधेरे में चमकता है, ओके कोई बात नहीं, हो जाता होगा कुछ ना कुछ। चलो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो गुड इवनिंग सिद्धार्थ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे का चरित्र। ये इन्होंने बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में, दे प्रोपगेट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करती है, संचरण करती है, इनमें ऊर्जा भी होती है। तो ये किसने बताया था, तो ये मैक्सवेल ने बताया था। रिटल ने तो लाइट की स्पीड बताई थी, कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, भाई वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्नेल लॉ वो रिफ्रैक्शन का आपने पढ़ते होंगे, जो साइन आई ओके और साइन आर इज इक्वल टू म्यू, कि किसी मीडियम में जो लाइट है वो कितनी बेंड होगी। और न्यूटन ने तो विजिबल रे की डिस्कवरी करी थी, जिससे जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो आप लोगों को पता है कि क्या आंसर नहीं होगा, और जब आपको पता होता कि आंसर नहीं होगा तो आप आंसर कर पाते हैं, ओके तो जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तक आपने जितने भी 8 क्वेश्चन करे उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत
आराम से दे सकते हैं। जैसे पूजा ने जैसे सीधा आंसर है जे पार्किंसन पेंसिलिन, लेकिन यहाँ आपको क्या है जानकारी मिलती है कि जेल बार्ड ने 1926 में टेलीविजन बनाया था, जेम्स वॉट स्टीम इंजन, एजी ग्राम बेल टेलीफोन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। अगेन आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ग्राहम बेल फोन, बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली, इलेक्ट्रिक सिटी, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब, नाउ अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, जिसे हम टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलीन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिंपल, तो अच्छे लगे आपको क्वेश्चन? अच्छे लगे आप लोगों को क्वेश्चन? अनीता, पूजा, निखिल, विवेक, जिया, सिद्धू, तोहिन, तो भाई सेशन को लाइक जरूर करेगा। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंडियन नेवी की, वाई ग्रुप, वायु के लिए, आर्मी के लिए, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके 12 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी और नेवी का, और एक आर्मी का, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको जो बैच पढ़ेंगे ये ओनली केवल 1840 रुपये में, अगर आप Y191 कोड को यूज़ करते हैं। ओके हाँ, ओके चलो, धन्यवाद 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 शिवम मिश्रा जी। अब स्पोर्ट्स जीके पे आधारित आपके प्रश्न हैं, ठीक है, तो जरा जल्दी से बताइएगा कि एक लॉन टेनिस होते हैं, इनमें पूछा गया है कि कौन सा कब होता है, ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर ना वर्ल्ड मैप बनाता हूँ मैं, और वर्ल्ड मैप से ना आपको हमेशा ध्यान आ जाएगा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये आप ना कभी फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले सूरज जैसे चलता, सूरज को पकड़ो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, और फिर आपका यूएस ओपन होता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑस्ट्रेलियन पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही है। देखो सबसे पहले आपका विंबलडन शुरू हुआ था 1877 में, ठीक है, फिर 1888 में यूएस ओपन शुरू हुआ, फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ। फ्रेंच ओपन आपका क्ले मिट्टी पे खेला जाता है, विंबलडन आपका हरी ग्रास ग्रीन ग्रास पे खेला जाता है, और आपका यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सिंथेटिक टर्फ पे खेला जाता है। ओके जय भी स्वामी, बढ़िया है हम, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ओके अगला क्वेश्चन, पहली बात जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कहाँ पर हुए थे। देखो तब इनको जब ये 1930 में शुरू हुए थे तब इनको बुलाया जाता था ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इनको बुलाया जाता था, फिर इनको 1958 में इनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या कर दिया गया, ब्रिटिश कॉमन वेल्थ गेम्स कर दिया गया 1958 में। फिर आगे चलकर 1978 में इसको क्या कर दिया गया, आपका कॉमन, ओके कॉमन वेल्थ गेम्स कर दिया गया 1978 से। ओके सबसे पहले ये कहाँ पे हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, 2010 में ये दिल्ली में हुए थे, ओके अभी कहाँ पे हैं, बर्मिंगम में है, और 2026 में ये विक्टोरिया विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे, 2026 में क्या होंगे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है। ओके और ध्यान रखिएगा आपका दिल्ली में 1951 में सबसे पहले, ठीक है, एशियन गेम्स, ओके एशियन गेम्स सबसे पहले इंडिया में हुए थे 1896 में, ठीक है 1896 में आपका क्या हुआ था, 1896 में पहला फर्स्ट ओलंपिक्स
ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, और मोंट वीडियो में आपका आपका 1930 में ही, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो अभी कतर में है, ठीक है, 1930 में ही हुआ था। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो कितना बढ़िया रहेगा, ए ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा आपको बताना। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैव वोन गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। ओके, जय हिंद जय भारत सभी को। और तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, केवल, ओके, जयवीर, ओके, संजय, अजय, वर्षा, विवेक, इंडियन आर्मी लवर फ्रॉम बुलंदशहर। ए नहीं होगा भाई, देखो ध्यानचंद जी तो हॉकी कहते ना, तो हॉकी में तो टीम होती है, हॉकी में तो टीम होती है, तो यहाँ पर तो ओलंपिक इंडिविजुअल व्यक्तिगत है ना, तो केदार काशबाव जादव थे, ये आपका रेसलिंग रेसलिंग से रिलेटेड है। और 1952 आपका फिनलैंड, हजार झीरो का देश, हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर इन्होंने क्या जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था। ओके, सिल्वर मेडल हमने पहली बार इंडिविजुअल कैटेगरी में 2004 में, ठीक है, 2004 में एंथेंस में जीता था, एंथेंस, ओके, एंथेंस में। और ये कौन थे, मेजर राज्यवर्धन राठौर, ठीक है, राज्यवर्धन राठौर, RRR कर दिया मैंने। और गोल्ड हमने, ठीक है, गोल्ड 2008 बीजिंग, ओके, बीजिंग ओलंपिक्स, ओके, बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और ये आपका दोनों ही, ये आपका राइफल से रिलेटेड थे, ये ट्रैप शूटिंग से थे। कर्णव मलेश्वरी, ये ऐसी महिला हैं, भारत की पहली महिला जिन्होंने आपका सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था, यानी पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। सुशील कुमार, इतने बेहतरीन प्लेयर थे लेकिन अब जेल में हैं, सुशील कुमार अपना सारा मेहनत सारी इज्जत गंवा दी, ओके, इसलिए कभी भी गलत कामों पे नहीं चलना चाहिए। सुशील कुमार पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2012 और 2008, ठीक है, 2012 2008 लगातार दो ओलंपिक इवेंट में मेडल जीता है। और सुशील कुमार के बाद आप ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु जी, ठीक है, पीवी सिंधु जी ने एक तो 2016 में आपका रियो में क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, सिल्वर मेडल, ओके, सबसे अभी तक महिला जिसने सिल्वर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल आ जाएगा नेक्स्ट ओलंपिक में। और अभी 2020 में ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रोंज। तो अगर देख पूछा जाए, पहली भारतीय महिला जिन्होंने दो लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, पीवी सिंधु, सुशील कुमार, मेल, ओके ओके, तो बढ़िया लगा ना, एक बार में ही इतना डाटा मिल जाता है क्लास में, बताओ, एक बार में ही इतना डाटा, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ने वाले होने चाहिए। और एक चीज है, मेरी क्लास में आपको टाइम का पता नहीं लगेगा, ठीक है, तो अब आपको बताना है बास्केटबॉल, ओके, हाँ जी, देखो जनरल नॉलेज आपका हर पेपर में आता, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन हो, SSR हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सभी में ही आता है। तो इसमें क्या है पूछा गया, टोटल लेंथ ऑफ बास्केटबॉल, ओके, टोटल लेंथ, ये देखो बास्केटबॉल कोर्ट तो ये रहा, लेंथ ऐसे थोड़ी नापी जाती है, ओके, लेंथ तो ऐसे नापी जाती है, ये 15 मीटर होती है चौड़ाई, और लंबाई देखा जाए तो 28 मीटर होती है, ओके ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 28 मीटर,
ओके, ओलंपिक में अभी तक भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ओके, ओलंपिक में अभी तक भारत ने और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हमारा दबदबा चलता था, सबसे पहले 1928 में हमने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में सबसे पहले, फिर 1932 में गोल्ड मेडल जीता, फिर 1936 में गोल्ड मेडल जीता, जर्मनी में हुए थे, फिर 1940 और 1944 दो साल, दो बार ओलंपिक नहीं हुए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, फिर जो आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक हुआ गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद फिर दोबारा आपका हेलसिंकी में गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद आपका ओके 1956 गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गए, और एक 1964 में जीता था और अंतिम 1982 मॉस्को में जीता था, अंतिम 1982 मॉस्को में जीता था, और पहला जो था ये एम्स्टरडैम, ठीक है, पहला एम्स्टरडैम, तो टोटल हमने 8 जीते हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, डीप डिश ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ओके, हाँ जी, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाता है, हाँ 1956 दो बार हो गया, नहीं 1952 है ऊपर 1956 है, ठीक है, चलो फिर 1964 है, चलो डीप डिश किससे रिलेटेड है? डीप डिश रग्बी, ओके, और भाई और बताओ डीप डिश स्पोर्ट किससे रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डीप डिश, मेरे ख्याल से रग्बी से तो रिलेटेड ये नहीं होना चाहिए, रग्बी से रिलेटेड तो नहीं होगा, ओके, रचना आपका ऐप नहीं चल रहा, नो आइडिया, अरे डीप डिश, एक वॉलीबॉल तो आप लोग खेलते ही होंगे गांव वगैरह में, वॉलीबॉल में क्या है कि अगर बॉल कोई स्मैश मारे और आपको बॉल के नीचे आके उसे ऊपर, तो ये डीप डिश कहलाता है ना, ओके, तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा, वॉलीबॉल। अच्छा वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? ओके टेलीग्राम, ओके नहीं आज मैंने एफ कैट वाली, कल है सुबह, हाँ अगर आपको कल आना ना तो कल सुबह 10 बजे क्लास है एफ कैट की है, लेकिन वो आपको नेवी के लिए भी करेंगे। मेरा नाम है जीवेश सर, यही है, ठीक है, जीवेश सर, ठीक है, इसे ही सर्च कर लेना, जीवेश सर इसे ही सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जंप बॉल कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? जंप बॉल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? 6 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर नहीं होते, 6 होते हैं प्लेयर, ओके, आपका 6 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर नहीं होते, तो जंप बॉल हो गया, हुक पास हो गया, ये आपका जो वर्ड है वो आपका बास्केटबॉल से रिलेटेड है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये बताओ, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये बताओ, हाउ मेनी प्लेयर इन बास्केटबॉल? नहीं रचना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपने वो नहीं करी होगी, क्या बोलते हैं, मेरे को CPID आप दे दीजिए किसी तरीके से, इसी वीडियो, अरे मने वेस्ट नहीं होगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपको जब आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया था एक मेल आई होगी, उस मेल में CPID लिखा होगा, प्लीज़ सेशन के बाद लिख लीजिए, इसमें डाल दीजिएगा, या आप यहीं पे ही बता दीजिए, मैं नोट डाउन कर लूँगा और आपको कॉल बैक कराता हूँ, ओके, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करण देवगन 6, हाँ 5 होते हैं इसमें, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 5 प्लेयर्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फ्री थ्रो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? फ्री थ्रो, फ्री थ्रो जो टर्म है
ये आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है बताओ जरा। फ्री थ्रो आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ओके ओके ठीक है तू हिन। ओके तो फ्री थ्रो आपका नहीं, वो फ्री हिट होती है भाई, हॉकी में क्या होता है फ्री हिट होती है, फ्री थ्रो आपका बास्केटबॉल से ही होता है, फ्री हिट होती है हॉकी में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फुटबॉल में थ्रो होती है ठीक है। ओके जल्दी से बताओ कि कौन से ग्रैंड स्लैम को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है ठीक है, कौन से ग्रैंड स्लैम को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है? ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ओके यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे मैंने लिखा तो था, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, लिंक वगैरह नहीं है, आपको सर्च करना पड़ेगा। ओके तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन को जिस ग्राउंड में होता है उसे रोलैंड गैरोस क्या होता है? ओके 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 अरे रचना मैम, आपको मैंने जो कहा है ना, आपका मनी नहीं वेस्ट, और आप प्लीज़ CPID यहाँ पर दे दीजिए, एटलीस्ट मैं नोट तो कर लूँ। आप मेरे से कह रहे हो कि प्रॉब्लम है, कैसे कर पाऊंगा जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके अगला क्वेश्चन, अब आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है। ओके मेरा नाम जीवेश सर, ये सर्च करना, संजय विश्वकर्मा, JEEVESH, जीवेश सर। ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, देखिए आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है, लुसाने में ही आपका हॉकी का FIH का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा म्यूनिक में आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, ज्यूरिच में आपका फीफा का हेडक्वार्टर है, दुबई में आपका ICC का हेडक्वार्टर है ठीक है। दुबई में आपका किसका हेडक्वार्टर है? ICC का हेडक्वार्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताना है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं। देखो वैसे पोलो जो घोड़ों पे बैठ के खेली जाती है उसमें तो चार खिलाड़ी होते हैं। ओके हम तुम्हारे बुलंदशहर से 72 किलोमीटर दूर हैं बस। ओके जल्दी से, अब पढ़ाने की शुरुआत भी हमारी बुलंदशहर से हुई थी, DAV कॉलेज के सामने। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड इन वाटर पोलो इज, जल्दी से बताओ, 6 7 8 9 ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 7 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है सिपरी, ये सिपरी क्या बताता है कि भाई कि किस किस देश के पास कितनी सेना है, मतलब कितने नंबर पे, जैसे भारत कौन सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। ओके तो इसका क्या होगा। हाँ जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर। ओके जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? स्वीडन की कैपिटल है, इसी वजह से मैंने इसकी फुल फॉर्म ने लिखी, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके हाँ ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब आपको बताना ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या फिर इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ भी इसे बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर है? ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके फटाफट जल्दी से बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जिनीवा में नहीं है, हेग नीदरलैंड में, ब्रुसेल्स में आपका ध्यान रखिएगा नाटो का हेडक्वार्टर है, जिनीवा में दुनिया जहान के हेडक्वार्टर है, जैसे आपका WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत है, वॉशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय पड़ता है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये आपका इसमें टॉप तो करा है डेनमार्क ने, ठीक है, टॉप किसने करा है, डेनमार्क ने इसमें टॉप करा है। आपको बताना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तृप्ति रानी जी बेटा जी बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है आपकी 85। डेमोक्रेसी में, सॉरी डेमोक्रेसी नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस में, ठीक है, देखो इसमें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 है, प्रेस फ्रीडम में, हमारे यहाँ प्रेस को कितनी आज़ादी है तुम्हें पता ही है, प्रेस फ्रीडम में आपका 150वीं रैंक है और 37वीं रैंक आपकी इनोवेशन में है, नवाचार में है, नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स। खैर 85 इसका राइट आंसर है, टॉप डेनमार्क ने करा। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, 46 रैंक है, ओके। भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 46, और इसमें जो टॉप करा है वो किसने करा है, नॉर्वे ने करा है, ओके, उसने टॉप जो करा है वो नॉर्वे ने करा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस में तो आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ओके, रोम में आपका FAO का हेडक्वार्टर है, हेग में आपका ICJ का हेडक्वार्टर है, और वियना में आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, कुआलालंपुर मलेशिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में पड़ता है। ध्यान रखेगा यहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन का भी मुख्यालय पड़ता है, और आपका इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय भी आपका लुसाने में पड़ता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। मैं मिलूंगा कल आपसे सुबह 10 बजे, ठीक है, और अगर आप लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो Y191 कोड को यूज़ करें, मात्र 1840 रुपये में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप टेस्ट पैक लेना चाहते हैं तो डिफेंस प्राइम टेस्ट पैक को यूज़ करके टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, आपसे मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।